थाने क्राइम ब्रांच ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। वकील रिजवान सिद्दीकी पर नवाजुद्दीन की पत्नी का कॉल डेटा डिटेल रिकॉर्ड लीक करवाने का आरोप है। वकील रिजवान सिद्दीकी की गिरफ्तारी से पहले कई घंटे तक पूछताछ की गई और इसी मामले में पुलिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी पूछताछ करेगी। नवाज को पुलिस ने कई बार पूछताछ के लिए बुलाया है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि आगे भी उनसे पूछताछ होगी, खासकर उनके लॉयर की गिरफ्तारी के बाद। मेरे साथ मेरे संवाददाता राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, क्या खबर मिल रही है? देखिए, अब गिरफ्तारी की तलवार जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सर पे लटक रही है। ये वजह है कि हम उनके घर के बाहर खड़े हैं और जो हमें जानकारी मिल रही है, कल रात 10 बजे से पूरा परिवार जो है वो मुंबई छोड़ के जा चुका है। उनका जो दफ्तर है वहां पे हम खड़े हैं, उनके घर पे भी जाके आए, तो वहां से जो जानकारियां मिली है कि वो मुंबई छोड़ के जा चुके हैं पूरे परिवार के साथ साथ। पिछले 10 दिन से पुलिस लगातार रिजवान सिद्दीकी, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील हैं, उनको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई समाज सिद्दीकी, उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी को लगातार समन्स भेज रही थी और पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन ये लोग पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। यही वजह थी कि कल थाने क्राइम ब्रांच रिजवान सिद्दीकी, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील हैं, उनके घर पे शाम को पहुंची, पूछताछ हुई और उसके बाद जो है वो गिरफ्तारी हुई है। आईटी एक्ट की धारा 66, 72, 72A और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की धाराओं के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पुलिस के सामने पेश होकर अपनी बेगुनाही के सबूत जो है वो देने होंगे, वरना उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, तो अब आगे उनसे भी पूछताछ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए। और योगी